Hello friends, I am Murali from Simage College, and today we will discuss about one more protocol, that is FTP. हमने अपने कुछ last videos में मैंने आपको बताया है कि internet क्या होता है, domain registration क्या होता है, यानी कि overall मैं internet के बारे में discuss कर रहा हूँ. तो internet में different protocols भी use होते हैं. इन्हीं में से मैंने दो protocol HTTP and HTTPS के बारे में अपने last video में discuss किया एंड आपको कुछ प्रैक्टिकली दिखाया भी. उसी तरीके से आज हम जानेंगे एफटीपी के बारे में और इस एफटीपी को भी हम प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे. ठीक है, तो एफटीपी जैसा कि नाम है एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इससे ये बात तो क्लियर समझ में आती है कि फाइल ट्रांसफर यानी कि फाइल भेजने का काम करता है ये प्रोटोकॉल. लेकिन कैसे ये बेनिफिशियल है, किसके कौन कौन से टाइप होते हैं, इसे समझते हैं. सबसे पहली चीज, कुछ पॉइंट तो आती है कि भाई एफटीपी का यूज हम क्यों करें. तो एफटीपी का इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं फाइल को डाउनलोड या अपलोड करने के लिए. ये डाउनलोड और अपलोड डिपेंड करता है कि आप यानी कि एक क्लाइंट के पास क्या प्रिविलेज है. अगर उसे सिर्फ डाउनलोड का है तो वो सिर्फ डाउनलोड करेगा, उसको अपलोड करने की भी फैसिलिटी मिली हुई है तो अपलोड भी कर सकता है. ये प्रोटोकॉल आपके एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करने वाला प्रोटोकॉल है, OSI रेफरेंस मॉडल का एप्लीकेशन लेयर. एंड इस प्रोटोकॉल के हेल्प से जो फाइल ट्रांसफरिंग होती है, तो ये फैसिलिटी हम डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ, जैसे आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं HTML के हेल्प से वेब पेजेस डेवलप करते हैं, तो उसमें अगर आपके पास में एफटीपी की फैसिलिटी आ जाए तो आपका वेब पेज और भी बेहतर होता है. वैसे मोस्टली साइट्स पे इसका यूज होता है, बैंक्स वगैरह में यूज होते हैं या जनरल बहुत सारे वेबसाइट्स पे आप जहाँ से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो हकीकत में बैकग्राउंड में एफटीपी रन कर रहा होता है जहां से आप कोई चीज डाउनलोड करते हैं. फाइन, अब बात आती है कि ये प्रोटोकॉल दो पोर्ट नंबर पे वर्क करता है. मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था पोर्ट नंबर के बारे में. दरअसल में पोर्ट नंबर हर प्रोटोकॉल का एक न्यूमेरिक आइडेंटिटी होता है. एक नेटवर्क सिस्टम में, एक कंप्यूटर सिस्टम में, अगर हम किसी प्रोटोकॉल के बेसिस पे कोई वर्क कर रहे हैं तो एक्चुअली में वो वर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है एक नंबर से. सारी आइडेंटिटी उसकी उस नंबर से ही होती. और एफटीपी का यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है वो 20 और 21 है. इन दोनों के टास्क अलग होते हैं. दो, ये एक प्रोटोकॉल है जिसके दो दो पोर्ट नंबर होते हैं. 20, ये जो 20 पोर्ट नंबर है, 20 पोर्ट नंबर का यूटिलाइजेशन है कि ये डेटा का ट्रांसमिशन करता है. लेकिन डेटा का ट्रांसमिशन तो तब होना जब सर्वर और क्लाइंट के बीच में कनेक्शन हो. तो सर्वर और क्लाइंट के बीच में कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे पोर्ट नंबर 21 पे वर्क होता है, जो ऑथेंटिकेशन करता है, कनेक्शन को कंट्रोल करता है. फाइन, लेकिन अगर हम नॉर्मल एफटीपी की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल एफटीपी में जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो प्लेन टेक्स्ट मोड में होता है. फाइन, बट इसको सिक्योर करने के लिए डिफरेंट तरीके भी हैं जो मैं आगे डिस्कस करता हूँ. एफटीपी सर्विस को यूज कर सकते हैं हम किसी ब्राउजर के थ्रू, कमांड लाइन के थ्रू, या किसी एप्लीकेशन के थ्रू हम यूटिलाइज कर सकते हैं. फाइन, चलिए ये तो एफटीपी की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी. अब हम आते हैं आगे के स्लाइड पे. अब यहाँ पे मैं हम बात करें एफटीपी के टाइप्स के बारे में. मैंने अभी जस्ट बोला कि एफटीपी बाय डिफॉल्ट क्या करता है, प्लेन टेक्स्ट मोड में डेटा का ट्रांसमिशन करता है. और प्लेन टेक्स्ट मोड में अगर डेटा का ट्रांसमिशन हो तो इस तरह का ट्रांसमिशन बिल्कुल इनसिक्योर ट्रांसमिशन हो सकता है. ये इजीली हैक हो सकता है, आपका डेटा लीक हो सकता है. तो एफटीपी के टाइप्स में देखेंगे कि कैसे ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करे. सबसे पहली चीज, एक पहली टाइप है एनोनिमस एफटीपी. एनोनिमस एफटीपी कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा एफटीपी सर्वर जिसको कोई यूजर एक्सेस करे. हम क्या देंगे, परमिशन ही बाय डिफॉल्ट देंगे सिर्फ रीड का. इसमें परमिशन दिया जाता है, तो अगर सिर्फ रीड परमिशन मिला तो वैसे कंडीशन में क्या करेगा, उस सिर्फ डाउनलोड करेगा. यानी कि एनोनिमस एफटीपी है तो बेस्ट है कि आप सिर्फ डाउनलोडिंग की फैसिलिटी दें. ठीक है, दूसरा होता है पासवर्ड प्रोटेक्टेड एफटीपी. पासवर्ड प्रोटेक्टेड एफटीपी जो है ये क्या है कि यहाँ पे हम कुछ यूजर्स डिफाइन कर देते हैं. ऑथराइज यूजर ही सिर्फ फाइल को एक्सेस कर सकते हैं. एनोनिमस में कोई भी यूजर, बट ऑथराइज यूजर के केस में जितने यूजर एफटीपी सर्वर पे डिफाइंड होंगे
वो यूजर ही सिर्फ उसके फाइल को एक्सेस कर सकेंगे एंड डाउनलोड या अपलोड कर सकेंगे एज पर फैसिलिटी। लेकिन इन दोनों के केस में भी, यहाँ पर जो मैं दो बातें कर रहा हूँ, इन दोनों के केस में भी आपके डेटा का ट्रांसमिशन प्लेन टेक्स्ट मोड में ही हो रहा है, फाइन। अब इसे सिक्योर करने के लिए यहाँ भी बात आती है HTTPS की तरह कि हम FTP को SSL या TLS की सिक्योरिटी के साथ यूज करेंगे, SSL और TLS। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो आपको बखूबी समझ में आएगा कि SSL और TLS क्या होता है। तो ये सर्टिफिकेट सर्विस है, हाई इनक्रिप्शन प्रोवाइड करती है। तो अगर हम इनके साथ यूज करते हैं तो हमारा FTP सर्वर जो है वो हाईली सिक्योर होगा, इसका ट्रांसमिशन सिक्योर होगा। लेकिन ऐसे केस में इसका पोर्ट नंबर चेंज हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट अभी तक देखिए ये पोर्ट नंबर 21 पे वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका पोर्ट नंबर 990 हो जा रहा है, 990। नाउ अब इसकी एक और टाइप आती है, वो टाइप है आपका FTP ओवर एक्सप्लिसिट SSL TLS। ये और ज्यादा इनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है और ज्यादा हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसमें जो है इस FTP में, और जो नॉर्मल FTP सिक्योर है, इस FTP में सिर्फ वन स्टेप कनेक्शन होता है, पब्लिक की प्राइवेट की का एक्सचेंज हो गया, फाइन, उसके हेल्प से डेटा का इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन होगा। बट यहाँ पे आपका टू स्टेप होता है। टू स्टेप कहने का मतलब होता है कि नहीं, ठीक है, पब्लिक की प्राइवेट की के हेल्प से हम डेटा का की एक्सचेंज कर लेंगे, डेटा सिक्योरली ट्रांसमिट होगी, लेकिन कनेक्शन सिक्योर इस्टेब्लिश होने के बाद भी उसके बाद जिस डेटा को हमें लिंक पे मूव कराना है उस डेटा को भी हमें सिक्योर करना है, उसके लिए हम अलग से की जनरेट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है FTP ओवर एक्सप्लिसिट SSL एंड TLS। इन सब के अलावे फिर बात आती है कि एक तरीका है नया बिल्कुल, वो है सिक्योर FTP। नया भी इतना नया नहीं कि रिसेंट लॉन्चिंग है इसकी। सिक्योर FTP यानी कि FTP with SSH, और SSH का मतलब होता है सिक्योर सेल। सिक्योर सेल एक्चुअल में एक रिमोट कनेक्शन का तरीका है, कमांड लाइन के थ्रू रिमोटली किसी मशीन को एक्सेस करने का तरीका है। बट SSH जो है वो हाई इंक्रिप्शन को सपोर्ट करता है। तो अगर हम FTP सर्विस को SSH के साथ कंफिगर करते, यानी कि दोनों को जॉइंटली कंफिगर करें, तो वैसे केस में FTP के थ्रू होने वाला ट्रांसमिशन सिक्योर ट्रांसमिशन कहलाता है। एंड ये SSH जो है वो स्पेशली पोर्ट नंबर 22 पे वर्क करता है ये SSH। इसीलिए हम SFTP यानी सिक्योर FTP को कहते हैं कि ये भी पोर्ट नंबर 22 पे वर्क करने वाला है। तो यहाँ पे मैंने जो पोर्ट आपको स्पेशली बताया है वो ये समझाने के लिए बताया कि भाई कहीं आप डिफरेंट पोर्ट देखें तो कंफ्यूज ना हो जाए, भैया मैंने तो यही सुना कि FTP जो है पोर्ट नंबर 21 पे वर्क करता है, 20 पे वर्क करता है, यहाँ 990 की भी बात हो रही है, 22 की भी बात हो रही है, तो क्या कोई ये डिफरेंट प्रोटोकॉल है? नहीं, ओवरऑल ये सारे FTP ही हैं, सिर्फ डिफरेंट FTP में फैसिलिटीज अलग अलग है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ कंपनियों में इस FTP का यूटिलाइजेशन होता है क्योंकि इससे ह्यूज अमाउंट में डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली एंड सिक्योर तरीके से। अब बारी आती है, चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल्स को हम देखते हैं। तो मैं अपने स्लाइड से थोड़ा सा हट जाऊं, सॉरी, ये तो लास्ट में आपसे बोलूंगा मैं फिलहाल। ओके, अब आप ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, मैंने अपना वर्चुअल प्लेटफॉर्म पहले से रेडी कर रखा है। आते हैं इधर, दिस इज माय सर्वर मशीन। ओके फाइन, ये मेरी सर्वर मशीन है। इस सर्वर मशीन पे मैंने सर्वर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया है ये है विंडोज सर्वर 2019, फाइन। वैसे ये आप यहाँ पे जैसे मैंने सर्वर विंडोज़ का सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, आप विंडोज़ 10, 7, ये 11 ये भी ले सकते हैं। इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, खासकर विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, तो एक सर्विस अवेलेबल होती है जिसे हम कहते हैं IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। तो आपको ये सर्विस इंस्टॉल करनी है सबसे पहले।
कहाँ से इंस्टॉल होगा, तो मैं जरा सा इस मशीन पे आपको जस्ट दिखा दूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ देखिए IIS इंस्टॉल करके रखा हुआ है, फिर भी आप अगर एड रोल फीचर्स में जाते हैं, हम गए यहाँ, फिर नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, फिर ये हमारा सर्वर इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट, एंड यहाँ देखिए ये टिक मार्क आपको करना है। आप अगर गौर से देखेंगे, अगर मैं हाईलाइट कर सकूँ, ओके, ये हाँ वेब सर्वर यानी IIS। तो IIS सर्विस यूज होती है वेब सर्वर बनाने, और जब आप इसको ही लेकर के नेक्स्ट करेंगे तो आपको आगे ये मिलेगी, इधर कुछ नहीं करना है, लेकिन मैंने चूंकि सर्विस सेलेक्ट नहीं किया, इसके बाद वाले विंडो में आपसे पूछेगा कि IIS सर्विस में आपको क्या क्या चाहिए, तो आपने उधर पे ध्यान रख करके FTP को सेलेक्ट कर लेना, बस चेकबॉक्स है, चेक कर दीजिए, इंस्टॉल कीजिए, सर्विस इंस्टॉल हो जाए, इट्स वेरी सिंपल, ओके। चलो सर्विस इंस्टॉल कर लिया, सर्विस इंस्टॉल करने के बाद वो आपको इधर लिस्ट में नजर आ जाएगा, IIS लिखा होगा, आप चाहें तो यहाँ से भी इसे ओपन कर सकते हैं, यहाँ ये जो है IIS सर्विस हमारी, जो एक्चुअली वेब सर्विस है, इसी वेब सर्विस का इस्तेमाल करेंगे हम FTP के लिए। तो चलिए मैं आता हूँ यहाँ पे साइड में, देखिए टूल्स, टूल्स से हम आगे बढ़े तो ये है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, फाइंड IIS मैनेजर, इसे ओपन करते हैं। इस तरीके का एक विंडो ओपन हो गया। अब इस विंडो पे ये मेरा टेस्ट सर्वर, ये मेरे सर्वर का नाम, फाइन, थोड़ा सा मैं इसे एक्सपेंड कर दूं, फाइन, ये मेरे टेस्ट सर्वर का नाम है, मत सर्वर का नाम टेस्ट सर्वर है, एंड इसमें देखिए आपको जैसे मैंने इसको एक्सपेंड किया, यहाँ पे मिल रहा है साइट, साइट में जाएंगे तो मैंने एक साइट ऑलरेडी बना रखी है वैसे, लेकिन चलिए हम एक नया साइट बना, नया साइट जब बनाने जाएंगे तो वैसे केस में यहाँ पे आएंगे राइट क्लिक। अब ये देखिए यहाँ पे ऐड अ वेबसाइट कर रहा है, ये फिर आपका डिफरेंट वेबसाइट्स बनाया, HTTP HTTPS वेबसाइट बनाएगा ये, जहाँ पे आप अपने डिफरेंट वेब पेजेस को डाल करके एक अच्छा सा वेब सर्वर तैयार कर सकते हैं। खैर हमें उससे मतलब नहीं है, हमें आना है ऐड FTP साइट। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं ऐड FTP साइट, ये आपसे पूछता है साइट का नाम बताओ, तो साइट का नाम मैं जस्ट यहाँ पे रखता हूँ, सिमेज स्टूडेंट के नाम से एक साइट होगी। फिजिकल पाथ पूछ रहा है कि भाई कहाँ रखना चाहते हो, यानी कि आपके FTP पे रखा हुआ डेटा, यानी वो नेटवर्क में यूज होगा, नेटवर्क की किसी भी मशीन से, तो आप अपने FTP सर्वर पे जो है किस लोकेशन पे डेटा रखेंगे, यानी कि ये जो मेरी सर्वर मशीन है इसके जिस लोकेशन पे हमें डेटा रखना है उस लोकेशन को यहाँ पे लिंक करना। तो लिंक करने के लिए हम आ जाए कहीं भी ले सकते हैं, लाइक ये मेरी ई ड्राइव है, ई ड्राइव को मैंने सेलेक्ट किया, यहीं पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, और जैसे मैंने सीमेज स्टूडेंट रखा था नाम अपने साइट का, तो इसका नाम रखता हूँ स्टूडेंट डेटा, फाइन, मैंने स्टूडेंट डेटा नाम दिया, ओके, ओके। अब ई ड्राइव के अंदर जो स्टूडेंट डेटा नाम की डायरेक्टरी है, इस स्टूडेंट डेटा नाम की डायरेक्टरी में मैं जो भी डेटा रखूँगा वो नेटवर्क के थ्रू एक्सेस होगी, और या फिर अगर नेटवर्क के थ्रू कोई डेटा अपलोड होगी तो वो स्टूडेंट डेटा के अंदर आएगी, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब ये कहता है कि आपका जो ये FTP साइट है, ये FTP साइट किस एड्रेस पे रन कर रहा है, तो जो मेरे सर्वर का एड्रेस है वो एड्रेस मैं यहाँ पे लोकेट किए देता हूँ, तो ये एड्रेस है 1.0.0.1 माय सर्वर। अब देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है, बाय डिफॉल्ट इसका पोर्ट नंबर 21 शो कर रहा है, यही मैं आपको थ्योरी में समझा रहा था उधर कि FTP जो है वो पोर्ट नंबर 21 पे वर्क करता है, चलो 21। अब नाउ नीचे देखिए यहां पे कह रहा है कि स्टार्ट FTP साइट ऑटोमेटिकली, ओके, लेकिन क्या SSL है, कह रहा है रिक्वायर SSL, सिक्योर ट्रांसमिशन करना है तो SSL सर्टिफिकेट चाहिए, फिलहाल मेरे पास तो सर्टिफिकेट है नहीं, इसलिए हम सीधे करेंगे नो SSL, यानी कि प्लेन टेक्स्ट मोड में आपको मैं डेटा ट्रांसमिशन दिखा रहा हूं। अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है SSL सिक्योरिटी, ये सेलेक्ट कर लें यहाँ पे, लेकिन मुझे पास में
सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर होनी चाहिए जिसके थ्रू मैं सर्टिफिकेट जनरेट करूंगा और उस जनरेटेड सर्टिफिकेट को यहाँ पे लोकेट करूंगा। ठीक है, नाउ सिंपल प्रैक्टिकल, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब पूछ रहा है किस यूजर को एक्सेस देना चाहते हो, क्या कोई यूजर है? अब मेरे पास कोई यूजर तो है फिलहाल, किस यूजर को दूं? तो एक काम करते हैं, एक यूजर बना लेते हैं। बनाने के लिए हम चलते हैं एक कमांड है lusrmgr.msc, मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे आ रहा है यूजर, देखो एक स्टूडेंट नाम का अकाउंट बनाया हुआ है। मैं एक सिंपल राइट क्लिक न्यू यूजर अकाउंट बनाता हूँ, सिंपल माय स्टूडेंट, फाइन। फुल नेम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सककते हैं। पासवर्ड, पासवर्ड शुड बी कॉम्प्लेक्स एट द सर्वर मशीन, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू पुट अ पासवर्ड। पासवर्ड वैसे मैं यहाँ जो रख रहा हूँ आपको भी बता रहा हूँ, bca@rate123। अब यहाँ कह रहा है यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट टेस्ट लॉगिन, अगर ये ऐसा छोड़ देंगे तो जैसे ही आप FTP को एक्सेस करने जाएंगे बोलेगा पहले पासवर्ड बदलो, तो हटा दो, जो पासवर्ड दिया वो सही है। ठीक है, ये आप टिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पासवर्ड कभी एक्सपायर ना हो, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, अपना बदल ना सके। फाइनली माई स्टूडेंट के नाम से मैं एक अकाउंट क्रिएट करूँ, क्लोज। यहाँ पे यूजर का काम खत्म हो गया क्योंकि इस यूजर को ही हम प्रिविलेज देंगे। तो यहाँ पे है ऑथेंटिकेशन जो है वो बेसिक होगी आपकी, एंड यहाँ पे ऑल यूजर या स्पेसिफाइड यूजर, और स्पेसिफाइड यूजर्स किए लेते हैं, कौन सा यूजर है भाई? तो माई स्टूडेंट, माई स्टूडेंट, मैं दोनों प्रिविलेज दे रहा हूँ, रीड भी करो भैया, राइट भी करो, जिससे मैं आपको डाउनलोड अपलोड दोनों दिखा सकूँ, यहीं से वो परमिशन सेट होता है। अब फिनिश, मैंने फिनिश कर लिया। अब देखिए मेरी एक वेबसाइट थी पहले से सिमेज, तो मैं एक काम करता हूँ, इस सिमेज वेबसाइट को फिलहाल जो है मैनेज तो होगा मैनेज FTP साइट, मैं इसे स्टॉप किया, बंद हो गई साइट। अब मैं ये जो डिफॉल्ट वेबसाइट है इसे भी बंद किए देता हूँ, बंद हो गई। स्टार्ट किसे रखना है? सिमेज स्टूडेंट को जो अभी हमने क्रिएट किया। नाउ मैनेज FTP साइट स्टार्ट, इट इज वर्किंग। ये है, देखिएगा एक डॉट दिखाई दे रहा होगा आपके, डॉट से क्लोज दिखा रहा है, क्लोज दिखा रहा है, ये रनिंग दिखा रहा है, फाइन। इस तरीके से हमने ये काम तो कर लिया, लेकिन ये काम करने के बाद हमने जिस डायरेक्टरी में डेटा रखना है उस डायरेक्टरी के ऊपर कुछ परमिशन सेट करने होंगे, और वो परमिशन क्या होंगे उसके ऊपर आते हैं। उस परमिशन के लिए सबसे पहले तो मैं जरा कंप्यूटर को ओपन करूँ, ये कंप्यूटर, इसका मेरा ये ई ड्राइव के अंदर ये स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट डेटा के ऊपर राइट क्लिक किया, यहाँ से गए प्रॉपर्टीज में एंड सिक्योरिटी, एडिट कर लें सिक्योरिटी को, एडिट, एंड देन हम क्या करते हैं यूज़र को जस्ट ऐड किए देते हैं, ऐड हो जाओ भाई साहब, एडवांस्ड फाइंड नाउ, एंड यहाँ पे जो माय स्टूडेंट, ओके या दिस वन इज़ द माय स्टूडेंट, आपको नहीं दिखाई दे रहा हूँ, ये देखिए माय स्टूडेंट का सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, एंड इसको इस पे फुल प्रिविलेज देता हूँ, भैया मस्ती करो कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई, ओके। अब यहाँ पे आ गया फुल कंट्रोल के साथ, फिर ओके किया, तो ये सिक्योरिटी में दे दे। चलिए यहाँ पे कुछ डेटा क्रिएट कर देते हैं, कोई भी फाइल लाइक न्यू, मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना दूँ, यहाँ पे है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट C1, CIMAGE1, और दूसरी बना दूँ एक और
सिमेज टू, जस्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, मुझे आपको सिर्फ प्रैक्टिकल आउटपुट दिखाना है। तो मैंने ये दो डेटा बता दिए, चल ये दोनों काम हो गए, मैंने डेटा भी रख दिया, मेरा एफटीपी यहाँ पे दे भी दिया। अब करना क्या, ये मेरा सर्वर है। इस सर्वर मैनेजर को अगर देखें तो ये लोकल सर्वर में क्या बताएगा कि आपके सर्वर की आईपी 1.0.0.1 रखी है। अब मैं चलो जरा क्लाइंट मशीन, अगर मैं क्लाइंट मशीन पे आता हूँ तो ऐसे केस में सबसे पहली चीज कि मैं इस मशीन की पहले तो आईपी चेक कर लूँ, सीएमडी आई थिंक दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज में आ जाऊं, फॉन्ट में आ जाऊं, थोड़ा सा फॉन्ट 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 फट से चेंज हो जाता है। चलिए मैं थोड़ा सा बोलूँगा। एनीवे, अब आप यहाँ पे काम करें कि यहाँ से मैं जस्ट पिंग कर रहा हूँ अपने सर्वर को, PING पिंग। पिंग करने से पहले मैं आपको आईपी दिखा रहा था, तो आईपी देखने के लिए IPCONFIG आईपी कॉन्फ़िग डाला मैंने। तो मेरे देखिए, मैंने इस मशीन पे आईपी रखी है 1.0.0.2, फाइन। अब मैं जस्ट यहाँ से पिंग करूँ अपने सर्वर को, 1.0.0.1 को एंटर किया, रिप्लाई नहीं आ रहा क्योंकि एक्चुअली मैं मेरे सर्वर का फायरवॉल ऑन, बट सर्वर एंड से इधर करता हूँ, इसके फायरवॉल को मैंने ऑफ कर रखा है तो वो पिंग करना चाहिए। तो चलिए सर्वर पे चलें, इस सर्वर से यहीं से CMD, यहाँ से पिंग करता हूँ अपने क्लाइंट को 1.0.0.2, यहाँ से देखो रिप्लाई आया, यानी कि कनेक्शन दोनों में स्टेबलिश है, ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। फाइन, ये कनेक्शन मैंने चेक कर लिया। अब इसके बाद बारी आती है चले क्लाइंट मशीन। अब क्लाइंट मशीन पे मुझे करना क्या है, मुझे अपने FTP सर्वर को ओपन करना। तो FTP को ओपन करना, तो थोड़ा सा मैं ओके, कोई नहीं। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ FTP, FTP के बाद में सर्वर की आईपी, ये Windows 7 की मशीन है, मेरे सर्वर की आईपी 1.0.0.1, मैंने एंटर किया। पूछ रहा है यूजर बताओ। अब यूजर क्या है, माई स्टूडेंट, माई STU PNT स्टूडेंट, बोला पासवर्ड होता हूँ BCA@1234, बोल रहा है यूजर लॉग इन, यूजर लॉग इन हो गया। अब लॉग इन अगर हो गया है तो मैंने वहां पे डेटा रखा था, वो डेटा दिखना चाहिए। तो देखिए, हमने वहां पे डेटा, मैंने जस्ट DIR कमांड हिट किया, जो मैंने डेटा रखा है वहां पे CIMAGE 1 CIMAGE 2, वो डेटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मुझे डेटा ये यहां चाहिए, इस मशीन पे मुझे चाहिए, तो ये मुझे चाहिए। तो देखिए सबसे पहली चीज की, इस मशीन पे जो मैं लॉगिन हूं, तो लॉगिन कहाँ हूं, तो इस मशीन में यूजर्स है, यूजर के अंदर एक सीमेज नाम का यूजर है, उसमें हूं मैं। तो मैं यहीं पे ये CIMAGE 1 नाम की जो फाइल है इसको डाउनलोड करता हूँ। देखिए विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन कैसे मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा कमांड गेट, और क्या है CIMAGE CIMAGE 1.txt, मैंने एंटर किया, कह रहा है ट्रांसफर कंप्लीट। ठीक है, ट्रांसफर कंप्लीट हो गया, आपका डेटा आ गया। अब यहाँ पे लगेगा यार डेटा CIMAGE 1 मेरे सिस्टम पे आनी चाहिए, कहाँ गई। तो चलिए इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने क्लिक किया, आई थिंक ये मेरा ये मेरा कंप्यूटर है, इसको सी ड्राइव में यूजर्स, यूजर्स के अंदर ये CIMAGE, CIMAGE में अगर मैं माई डॉक्यूमेंट, नो यस सॉरी मैं आगे बेकार जा रहा था, मैंने आपको बताया था पाथ की CIMAGE है। देखिए यहाँ पे CIMAGE 1
ये फाइल आ गई हमारी। अब फिर हम वापस से चलते हैं, अब सिमेज 2 को भी डाउनलोड करते हैं। इधर आया, इस दफे गेट सिमेज 2, जस्ट थोड़ा सा नाम चेंज करो, दो फाइल और कुछ वो आ जाना चाहिए इसी लोकेशन पे। ट्रांसफर कंप्लीट, सी जस्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन आई है सिमेज 2, यानी कि हम इजीली डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं अपलोड करता हूँ टेस्ट 2, ये फाइल यहाँ पे पहले से बनी पड़ी है, टेस्ट 2 टेस्ट 3, इसको डालते हैं अपलोड करते हैं। तो अपलोड करने के लिए जो कमांड यूज होगी वो होगी पुट, PUT पुट, TEST टेस्ट, टेस्ट 2 and 3 था, 2 and 3, ओके टेस्ट 2 मैं अपलोड कर रहा हूँ। कह रहा है सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया, आपका मैसेज आ गया ट्रांसफर कंप्लीट, डेटा उसमें चली गई। फिर से वापस से टेस्ट 3 को भेज दूँ, सक्सेसफुली ट्रांसफर, यानी कि मैं आसानी से कमांड लाइन के थ्रू FTP पे डेटा ट्रांसफर भी कर दे रहा हूँ, डाउनलोड भी होगी। अब तब आएगा कि भाई सर्वर पे गया कि नहीं गया, वो जरा चल के देखें। तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे सर्वर मशीन पे विंडो ई, ये मेरी ई ड्राइव है, ई ड्राइव में हमारा स्टूडेंट डेटा था, इस स्टूडेंट डेटा में देखिए, पहले तो हमने सिमेज 1 और सिमेज 2 बना के रखा था, अब ये टेस्ट 2 है टेस्ट 3 है, ये भी आ गए, हमने अपलोड किया ही, और इन दोनों फाइल को उस मशीन पे क्लाइंट मशीन पे डाउनलोड कर। फाइन, दिस इज द यूज ऑफ FTP। अब इस FTP को जो मैंने क्लाइंट मशीन पे आपको दिखाया कमांड लाइन के थ्रू, अब इसको मैं सबसे पहले इससे बाहर निकलूँ, बाहर निकलने का तरीका है बाय बाय, यानी बाय BYE बाय बाय और एक्सेप्ट। अब क्या है कि FTP को मैं चाहूँ तो ग्राफिकली ओपन कर सकता, कैसे ओपन करूँगा, विंडो ई मतलब आपका कंप्यूटर ओपन कर लिया, इस जगह यहाँ पे देखिए ऊपर देखिए आ जाता, मैंने लिखा FTP एंड देखिए पहले भी एड्रेस दिया हुआ FTP:// एंड सर्वर किया, एंटर हिट किया, जैसे ही इंटर हिट किया तो पूछ रहा है बताओ यूजर नेम बताओ क्या है, ये ग्राफिकल तरीका है। तो MySTUD एंटी स्टूडेंट पासवर्ड है BCA@123। ठीक है, अब नाउ मैं लॉगिन करूँगा, मेरे मशीन पे FTP सर्वर पे जितना डेटा रखा हुआ सारा ओपन हो गया, तो ग्राफिकली भी ओपन कर ले। अब इसी तरह से डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं उससे भी हम ओपन कर लेते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको FTP को विथ प्रैक्टिकल समझाया, अगर आप सर्वर पार्ट समझने में आपको थोड़ी दिक्कत भी हो तो कोई नहीं, क्लाइंट एंड आप समझिए, क्योंकि मोस्टली हम समझते हैं कि गेट कमांड पुट कमांड यूज होता है FTP पे, बट आपको मैं लाइक करके उससे चीज़ों को दिखा, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे आप सर्वर पे बना भी लेंगे, बस एफर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने आज आपको FTP समझाया, पीछे HTTP और HTTPS समझाया, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं फर्दर जितने भी आपको प्रोटोकॉल्स इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में बताऊं, उन सारे प्रोटोकॉल्स में कोई ना कोई प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। ठीक है, सो वापस से एज यूजुअल जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई आप वीडियो को सबसे पहले तो माय डियर फ्रेंड लास्ट तक जरूर देखा करें, ये लास्ट में ही बोलता हूँ कि मुझे बिगनिंग में बोलना चाहिए, लास्ट तक देखिए, ट्राई कीजिए, हाँ ट्राई करने के बाद आपको अपने आप ही समझ में आने लगी ये चीज़ें, एंड हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आपने आज लास्ट तक देखा है या थोड़ा भी देखा तो भी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।